दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। अटल इनोवेशन रैंकिंग में टॉप 25 यूनिवर्सिटीज में नौणी विश्वविद्यालय भी शामिल। नगरोटा सूर्या में बीच सड़क भिड़े दो बैल, कार का शीशा टूटा। वर्ल्ड गेम्स में जीते थे दो रजत, पर सरकार ने सिर्फ प्रशस्ति पत्र ही दिया। गृह रक्षा कंपनी कमांडर का कार्यालय भोटा से पुरानी तहसील भोरंज के पास शिफ्ट, लोगों ने किया विरोध। बेटियों की कामयाबी की कहानी बताने वाला बोर्ड हवा में झूल रहा, प्रशासन को नहीं कोई खबर। अरब समाचार विस्तार से। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट में डॉक्टर वाई एस परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी प्रदेश में सर्वोच्च स्थान हासिल करने वाला सरकारी विश्वविद्यालय बन गया है। इस रैंकिंग में नौणी विश्वविद्यालय को देश के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों की श्रेणी में बैंड ए में रखा गया है। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर परविंदर कौशल ने कहा कि देश के शीर्ष 25 बैंड ए सरकारी विश्वविद्यालयों में स्थान पाना विश्वविद्यालय के लिए गर्व का विषय है। विश्वविद्यालय विकसित प्रौद्योगिकी को राज्य के उद्यमियों को हस्तांतरण करने में भी सफल रहा है। प्रदेश भर में सड़कों पर घूमने वाले लावारिस मवेशी राहगीरों ही नहीं वाहन चालकों के लिए भी मुसीबत बने हुए हैं। ऐसा ही एक मंजर नगरोटा सूर्या में रविवार सुबह उस समय देखने को मिला जब बस स्टैंड पर दो बैलों में लड़ाई हो गई। इस दौरान एक बैल ने दूसरे को उठाकर चलती कार पर फेंक दिया, जिससे एक बड़ी दुर्घटना होते होते बच गई। लेकिन इस दुर्घटना में कार को काफी नुकसान हुआ और कार के आगे का शीशा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। गनीमत ये रही कि कार के अंदर बैठा परिवार सुरक्षित है। बताया जा रहा है कि कार का मालिक नगरोटा बगवा से परिवार के साथ अपने रिश्तेदार के पास नगरोटा सूर्या आ रहा था कि बस स्टैंड के पास ये हादसा हो गया। कार को करीब 25,000 का नुकसान हुआ है। मैं नगरोटा बगवा से विनोद कुमार नंदपुर जा रहा था और मैं गाड़ी लेकर जा रहा, मेरा परिवार बीच में बैठा नगरोटा सूर्या बस स्टैंड के पास मोड़ पे हमारा पशु गाड़ी पे गिर गया। इससे मेरा परिवार बीच में बैठा था, इसे नुकसान भी हो सकता है। बाल बाल बचा। सरकार खेलों और खिलाड़ियों को कितना प्रोत्साहन देती है इसका पता तब चलता है जब उसके काम जनता की नजरों में आते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय विशेष खिलाड़ी को मात्र एक प्रशस्ति पत्र व कुछ नगद राशि देने वाली सरकारें और उसके मंत्री अपने भत्ते लाखों रुपए बढ़ाने में देर नहीं लगाते हैं, लेकिन देश और दुनिया में प्रदेश का नाम रोशन करने वालों पर शायद ही उनकी नजर पड़ती है। पिछले 5 साल से न्याय की तलाश में भटक रही पलक भारद्वाज जन्म से ही दिव्यांग है। पलक ने 15 साल की उम्र में स्पेशल ओलंपिक भारत की तरफ से रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता में भाग लेकर अमेरिका में 2015 में दो रजत पदक जीतकर हिमाचल प्रदेश का नाम पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में ऊंचा किया था। इसके बाद राज्यपाल ने स्मृति चिन्ह देकर विशेष खिलाड़ियों का स्वागत किया था और उचित इनाम देने का भरोसा दिया था, लेकिन आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, तो पलक अपना पूरा नाम बताओ। पलक बादवार। अच्छा, आपके पापा का नाम? विमकिम बादवार। अच्छा, कौन सी गेम पसंद है? रोलर स्केटिंग। अच्छा, तो आप वो गेम खेलने के लिए कहीं बाहर गए थे? कहाँ? यूएसए गए थे। वहां पर आपने मेडल जीते? हाँ, सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल। अच्छा, कितने मेडल जीते थे? 2 मेडल। नगर पंचायत भोटा से गृह रक्षकों का कार्यालय भोरंज पुरानी तहसील के पास शिफ्ट हो गया है। इससे पहले गृह रक्षक कंपनी कमांडर का कार्यालय भोटा में किराए के मकान में चल रहा था, वही कार्यालय भोरंज शिफ्ट होने का लोगों ने विरोध किया है, क्योंकि इससे पहले भोटा गृह रक्षक के 4 जवान नगर पंचायत भोटा में दिन रात गश्त करते थे। वही गृह रक्षक कंपनी कमांडर नई बिल्डिंग भी भोटा बाईपास के पास बन रही है। इसी बिल्डिंग के लिए 42 लाख रुपए प्रशासन द्वारा मंजूर किए गए हैं। गृह रक्षक की कंपनी कमांडर नानक चंद का कहना है कि उनका अपना कार्यालय भोरंज में शिफ्ट तो कर दिया गया है, पर उन्हें वहां पर 3 कमरे मिले हैं, वहीं पानी व बिजली की भी कोई व्यवस्था नहीं है। केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा बेटियों को विशेष सम्मान व पहचान के साथ उनके हक के लिए विभिन्न विभागों के माध्यम से अभियान चलाकर जनता को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही बेटियों को उनके अधिकार दिलाने व देश में उन्हें महत्वपूर्ण स्थान दिलवाने के लिए सैकड़ों योजनाएं लागू की गई हैं।
इसी कड़ी में सरकार ने महत्वपूर्ण पदों पर पहुंची बेटियों के चित्र विभिन्न खंड कार्यालयों में स्थापित किए हैं। ऐसा ही एक बड़ा बोर्ड खंड कार्यालय पंचरुखी के परिसर में लगाया गया है, लेकिन यह प्रशासन की लापरवाही को दर्शाता है, क्योंकि अब यह बोर्ड टूटकर हवा में लटका हुआ है। किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया है। आए दिन बेटियों को हक दिलाने के अभियानों के नाम पर कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं, लेकिन इस बोर्ड की ओर कोई नहीं देखता।